Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing good, doing fine और अपनी family के साथ, अपने friends के साथ enjoy कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे. तो you guys must be wondering कि मैं इतना सज संवर के तैयार होकर क्यों बैठी हूँ. तो आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला है उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव के बारे में. तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा तैयार होकर मैं भी एकदम कल्चरल वाइब्स दे दूँ. मैंने साड़ी पहन रखी है, मेरी बुआ की साड़ी है, मेरी बुआ ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की है. तो मैंने सोचा कि ठीक है, तैयार होकर बैठ के ही मैं वीडियो शूट करती हूँ. ये वीडियो मैंने पहले शूट कर दी है, इंट्रो में बाद में शूट कर रही हूँ, तो इसमें प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा. क्योंकि हम लोग ट्रेड महोत्सव थोड़ा सा पहले चले गए थे तो मेरे को टाइम नहीं मिला इंट्रो शूट करने का, तो मैं इंट्रो बाद में शूट कर रही हूँ. ओके, सो नाउ अबाउट द उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव. तो उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव इज द बिगेस्ट कल्चरल एंड ट्रेड महोत्सव ऑफ उत्तराखंड विच इज ऑर्गेनाइज इन एवरी सिटी. अगर बात करें कि उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव में एक्चुअल में होता क्या है, तो उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव कल्चरल एंड ट्रेड महोत्सव है, तो फिर कल्चरल शोज तो होते ही हैं. जिस टाइम पे को हम लोगों ने ये विजिट किया था, दिन का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे वो रैंप वॉक चल रही थी. रैंप वॉक के अलावा शायद यहाँ डांस वगैरह भी होता होगा नाइट में, तो नाइट में हम लोगों ने विजिट नहीं किया तो इतना आइडिया मुझे है नहीं. और बात करें ट्रेड की, तो आपको यहाँ से आप चाहे बात करें कश्मीर के शॉल की, या फिर कुमाऊं की रंगीली पिछौड़ी की, या फिर कैलकटा की साड़ियों की, आपको बहुत सारी वैरायटी का सामान मिलेगा. आपको कारपेट्स मिलेंगे, आपको बर्तन मिलेंगे, बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे हाथों से बने हैं. चलिए थोड़ा सा ज्ञान की बात भी बता देती हूँ. वोकल फॉर लोकल हमारा कैंपेन चल ही रहा है, तो फिर मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि अगर आपके शहर में भी ऐसा कोई ट्रेड महोत्सव लगता है तो आप जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, और हो सके तो अपनी जो ज़रूरत का सामान है आप जो बड़ी बड़ी जगहों से लेते हैं, बड़ी बड़ी शॉप से लेते हैं, यहाँ से लेने की कोशिश. तो ज्ञान की बात बहुत हो गई, आप सब लोगों को ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, सीधे चलते हैं वीडियो पे. बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है. आप सब लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे. तो हम लोग पहुँचने वाले हैं परेड ग्राउंड में, जो मेला लगता है वहाँ, और फिर मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ कैसा, क्या एम्बियंस है और क्या. तो दोस्तों ये है परेड ग्राउंड, और यहाँ परेड ग्राउंड में लगा हुआ है देहरादून का ट्रेड महोत्सव. ये है झूला बड़ा सा, और अब हम लोग एंटर करेंगे मेले के. अब यहाँ से ऊँट की सवारी देखने के बाद हमने मेले में एंटर कर लिया था. मेले में एंटर करते ही जस्ट राइट हैंड साइड पे एक बनारसी पान की दुकान थी, जहाँ पे को आपको बहुत सारे वैरायटीज़ के पान मिलेंगे. बट मैंने पान नहीं खाया और मैं डायरेक्टली चले गई ये इयररिंग्स की शॉप पे, और मैंने इनसे प्राइस पूछा तो इस इयररिंग्स का प्राइस, इन इयररिंग्स का प्राइस था ऑलमोस्ट 120 to 150. अभी जो स्टॉल था ये स्टॉल था अचार और पापड़ का. अचार का प्राइस इन्होंने बोला था 150 रुपीज़ का हाफ के जी और 300 रुपीज़ का 1 kg. ये 250 रुपए का दो उस टाइम आपने बोला 100 के 3 है ये ले लो मैम, 100 का 3 ही देते हैं. बोलने का रेट अलग होता है, देने का अलग, कहते नहीं. समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो. अब ये जो एरिया था ये एरिया पूरा डेडिकेटेड था ये कारपेट्स के लिए, हैंडमेड कारपेट्स के लिए. हालांकि यहाँ पे को मशीन से बने हुए कारपेट्स भी अवेलेबल थे, बट जो हैंडमेड कारपेट्स थे इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था. और इस कारपेट का प्राइस है 500 रुपीज़ अपना सिर्फ एक सिंगल पीस, और जो मशीन वाले जो कारपेट्स थे उनका प्राइस अराउंड 200 और 300 ऑलमोस्ट ऐसे रहेगा. अब इस वाले एरिया पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बर्तन, कप हो गए, प्लेट्स हो गए, बोल्स हो गए, और वैरायटी ऑफ बर्तन अवेलेबल थे यहाँ पे को, जो कि हाथ से ही बने हुए थे. ये कैसा दिया? ये मैडम 250. 250 का एक? और ये जो बोल वगैरह है ये 400 रुपए के 6. और अगर जैसे लूज लेना चाहो तो ले लो आप. लूज कितने का पड़ेगा? आपको देने वाली बात तो ये है कि 70 रुपए का पड़ता है. 70 रुपए का? ओके. मैंने कौन सा कप कह रही थी तू? 65 रुपए का दे देंगे. काला वाला कप? कौन सा काला मैनू? ये वाला. क्या पिएगी इसमें? सीरियस था. देख मैनू. आ जाओ तो और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ देखती हूँ.
ये अचार के लिए हो सकता है, है ना। और ये वाले जो पैर है ये 30 का एक, और दोनों वो ही ऐसा है मेरा। चल अगर देखा जाए एक हिसाब से तो जो ये राउंड स्टॉल्स होते हैं ये हर एक लोकल मार्केट की पहचान, उसकी शान होते हैं। और आपको कभी कभी तो बहुत अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं इन राउंड स्टॉल्स पे, बट इस राउंड स्टॉल में मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि ये राउंड स्टॉल बच्चों का था। देखो कोई भी जो ट्रेड महोत्सव है वो अधूरा होता है साड़ियों के बिना, तो ये साड़ी का स्टॉल मुझे मिल ही गया फाइनली। तो मैंने यहाँ भैया से प्राइस पूछा, प्राइस के लिए जो है वीडियो पे बने रहिए। मुझे वैसे तो पसंद बहुत सारी साड़ियाँ आई, बट मुझे साड़ी सिर्फ और सिर्फ दो लेनी थी, एक अपनी मम्मी के लिए और एक अपनी बुआ के लिए, तो मैंने दो ही साड़ियाँ ली। हालांकि मैंने देखी बहुत सारी साड़ियाँ, पर मन तो मेरा ऐसा कर रहा था ना कि सारी साड़ीज मैं खोल लूँ और उनको पहन लूँ और यहीं पे को फ़ोटोशूट कर लूँ, बट ऐसा कर नहीं सकती, किसी और की दुकान थी इसलिए। ये साड़ी भी मुझे बहुत प्यारी लगी, पर ऐसे कलर की साड़ी मेरी मम्मी के पास थी ऑलरेडी, तो मैंने ये साड़ी को नहीं चूज़ किया। अब मैंने चूज़ किया ये रेड कलर वाली साड़ी, ये बहुत प्यारा कलर लग रहा था, इसको मैं भी पहन सकती हूँ, इसलिए मैंने ये साड़ी ले ली। और ये वाली साड़ी ली मैंने अपनी बुआ के लिए, ये बहुत प्यारा कलर है और बुआ पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट मैं इसको कहाँ पहन के जाऊँगी ना, इसलिए मैंने ये साड़ी नहीं ली। भैया भैया कहाँ से ये साड़ी है? कोलकाता से। अच्छा और ये कौन सा मटेरियल है? साउथ सिल्क, कॉटन, भागलपुरी, बहुत सी वैरायटी आएंगी, जो सा आप चॉइस कर सकते हैं। चंदेरी कॉटन पे आएगी, और भी आएंगी, ग्रासो ग्रासो पे आएंगी। अच्छा तो जैसे ये अभी ट्रेड फेयर लगा है ना, इसके बाद फिर आप क्या करोगे? इसके बाद तो कहीं देखेंगे, पहले तो फिलहाल घर जाएंगे, मम्मा की याद आएगा। कैलकटा? चलो चलो ठीक है भैया, भैया का कलेक्शन अच्छा है। और ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई ट्रेड महोत्सव लगा और आपको बुक का स्टॉल ना दिखे? तो ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ बुक्स यहाँ पे को थी, सेकंड हैंड भी थी, फर्स्ट हैंड भी थी, तो बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास। ये क्या शॉल है? कौन से शॉल है? कश्मीरी? कश्मीर का है। आप कश्मीर से हो? जी। क्या प्राइस है इनका? अलग अलग रेट का है, साढ़े चार है तो 4,500। ये जो दूसरे नंबर पे शॉल लगा है इसका क्या प्राइस है? 4,500 का है, रिशु वर्क पे। तेरा घर जाएगा इसमें? हैंडमेड है पूरा? पूरा हैंडमेड है, पूरा बर्के का। एक बार दिखाओगे? ये निकाल रखा है इधर भाई साहब। भाई अगर प्राइस बोल भी रहे हैं तो कोई कम वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब सही प्राइस है। देख बहनू हो गया। इस स्टॉल पे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिली थी, बट मैंने ये ड्रेसेस नहीं ली क्योंकि अगर घर जाके मुझे ड्रेस फिट नहीं आती तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो जाता। पर दिल मेरा हर ड्रेस पे आया था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसा होता कि मुझे घर आके फिट नहीं आती ये ड्रेस। इसी शॉप में बहुत सारे कोट्स भी अवेलेबल थे, इनका प्राइस भैया कोट कर रहे थे अराउंड 1,000 रुपीज़, बट 1,000 रुपीज़ मुझे जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगा इस प्राइस इसके हिसाब से। अच्छा इसी के जस्ट बगल में ये शॉप थी रंगीली पिछौड़ियों की, और ये जो रंगीली पिछौड़ियाँ हैं ये पहनी जाती है कुमाऊँ रीजन में अपने उत्तराखंड के। 1,250 ये तो सस्ता है, 2,500 वाले थे हमारे पास। As I previously told you in my video that Uttarakhand Trade Mahotsav is the biggest cultural and trade Mahotsav of Uttarakhand. इसीलिए cultural shows होना तो लाजमी था, तो जब हम लोग गए थे यहाँ trade Mahotsav में तो उस time पे कोई ये ramp walk चल रहा था। Guys बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे को sale भी मिल रहे हैं, sale रोटी zoom नहीं होगा भाई, sale। Guys दुबारा भी तो
दोस्तों हम लोग घूम चुके हैं परेड ग्राउंड में, जो उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव लगा है 2022। ये आई थिंक 16 नवंबर से 27 नवंबर तक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।